أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। प्यारे बच्चों, आज हम सूरह अनफाल का दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। दूसरे चैप्टर में अल्लाह ताला ने इनामात का ज़िक्र फरमाया है जो बदर के दौरान, जंग बदर के दौरान मुसलमानों पर इनामात नाजिल किए थे, वो ज़िक्र है। कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हिदायत दी है। कुफार को तनबीह की गई है, तनबीह का मतलब है ख़बरदार किया गया है। उसके अलावा इबारात का तर्जुमा व मफहूम भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चले पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 6, दरसी किताब इस्लामियात का पेज नंबर 6। सवाल नंबर 1 है, इस सबक में ग़ज़वा बदर के हवाले से अल्लाह ताला ने किन इनामात का ज़िक्र फरमाया है? अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने मोमिनों पर नींद तारी कर दी। इज़ा युग़श्शीकुम अन्नुआस अमनतन मिन्हु, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुसलमानों पर नींद तारी कर दी, मुसलमान सारी रात गहरी नींद सोते रहे, सुबह उठे तो बिल्कुल हशाश बशाश थे, ताज़ा दम थे, लेकिन काफिर सारी रात बेचैन रहे। बराने रहमत, काफिर मैदान बदर में पहले पहुँचे, उन्होंने अच्छी जगह अच्छे खेमे लगाए और पानी पर कब्ज़ा भी कर लिया। मुसलमान जब पहुँचे तो उनके हिस्से की जो ज़मीन थी, उनके हिस्से में जो ज़मीन आई वो रेतीली थी, रेत था उसमें। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से बारिश बरसाई और इस पानी को उन्होंने वुजू, गुसल और पीने के लिए जमा किया। रेतीले इलाके में बारिश होने की वजह से इनके कदम जम गए और काफिर जिस मैदान में थे वहाँ मिट्टी थी, बारिश की वजह से इसमें कीचड़ पैदा हो गई, जिसकी वजह से उनके लिए चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया। وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, और उसने तुम पर आसमान से पानी उतारा। अल्लाह ताला ने बरान रहमत को यूं बयान फरमाया है। फ़रिश्तों का नज़ूल, अल्लाह ताला ने जंग बदर में मुसलमानों की तसल्ली के लिए फ़रिश्तों का लश्कर नाजिल फरमाया। कतार दर कतार फ़रिश्ते भेजे और फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि मुसलमानों के साथ मिलकर काफिरों से लड़ो और मुसलमानों के दिल मजबूत करो और काफिरों की गर्दनें उड़ा दो और पोर पोर काट डालो। मुसलमानों के दिलों से अल्लाह ताला ने घबराहट दूर कर दी, ये एक और इनाम था। मुसलमान सुबह उठे तो थकन और परेशानी का नाम व निशान भी नहीं था। इन पर से काफिरों की हैबत दूर हो चुकी थी। पानी की नयाबी का वसवसा ख़त्म हो चुका था क्योंकि बारिश की वजह से इन्होंने तालाब बनाकर बहुत सारा पानी जमा किया था। अपने से 3 गुना बड़े लश्कर से लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए थे। एक और इनाम अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि मैंने इनके दिलों से शैतानी वसवसों को दूर फरमाया। शैतान मुसलमानों के दिलों में तादाद की कमी, सामान की कमी के वसवसे डाल रहा था। अल्लाह ताला ने मोमिनों के दिलों से शैतान की नापाकी दूर फरमा दी और मुसलमानों के दिलों को मजबूत कर दिया। अब वो काफिरों की बड़ी तादाद से नहीं डरते थे। एक और इनाम का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया, कदम जमा दिए। बदर के दिन अल्लाह ने मुसलमान मोमिनों के कदम जमा दिए, उनके दिलों को मजबूत कर दिया। आप सलम का साथ देने को तैयार हो गए क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए वही भेजी कि तुम मोमिनों को साबित कदम रखो, अल्लाह ताला करीब काफिरों के दिलों में रोब डालेगा। आखिर में इस सवाल का मैं कहूँगी कि इस मुआरके में ये अव्वलीन मुआरका था, अव्वलीन जंग थी, पहली जंग थी। अल्लाह ने मुसलमानों को सुरखरू किया, अल्लाह ने आप सल्लम को सारी रात, अल्लाह ने आप सल्लम की सारी रात गिड़गिड़ा कर रो रो कर मांगने वाली दुआओं को कबूल कर दिया। हमारे पास दूसरा सवाल है, कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में हिदायत। अल्लाह ताला सूरह अनफाल में फरमाता है कि जब तुम्हारा मुकाबला काफिरों के किसी जमात से हो तो उससे पीठ मत फेरो। कई शरायत बताए कि इस शरायत के ज़रिए, इस शरायत अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आप पीठ फेर सकते हैं। वो शरायत कौन से है? जैसे ये काफिरों की जमात है, ये मुसलमानों की जमात है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हिदायत दी कि
कुछ शरायत के ज़रिए आप पीठ पैर सकते हैं, इसके अलावा आप पीठ नहीं पैर सकते। मैं आप लोगों को तर्जुमा बताती हूँ इसका। अल्लाह ताला फरमाता है, ए अहली ईमान, जब मैदान जंग में कुफार से तुम्हारा मुकाबला हो तो इनसे पीठ न फेरना, और जो शख्स जंग के रोज़ इस सूरत के सिवा कि लड़ाई के किनारे किनारे चले, यानी हिकमत अमली से दुश्मनों को मारे, या अपनी फ़ौज में जा मिलना चाहता है, इनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वो खुदा के गज़ब में गिरफ्तार हो गया, और उसका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत ही बुरी जगह है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जैसे ये काफिर का लश्कर है और ये मुसलमान है, कि किस किन किन बातों की वजह से आप पीठ फेर सकते हो। जैसे ये एक सहाबी है और ये दुश्मनों की लश्कर की तरफ गया और फिर पीठ फेर कर वापस आ गया इस नियत से कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नई हिदायत हासिल करूं, या मेरे पास असलहा की कमी है, दोबारा नया असलहा हासिल करूं, या उसके दिल में ये बात है कि अभी तो मैं इधर आया हूं लेकिन मैं ज़ोरदार हमला नहीं कर सकता, अभी जो है नई हिकमत अमली इख्तियार करके इन पर ज़ोरदार हमला करूंगा, तो ये जायज़ है। अगर इसके अलावा इसके दिल में ये बात है कि मैं दुश्मनों पर हमले के लिए जा रहा हूँ, मैं गिर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मुझे चोट लग जाएगी, मैं ज़ख्मी हो जाऊँगा, तो ये जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने इसके बारे में फरमाया है, मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ, कि जो पीठ फेरेगा तो समझो कि वो खुदा के गज़ब में गिरफ्तार हो गया और इसका ठिकाना दोज़ख है। तो इन जो मैंने आप लोगों को बातें बताई, अगर उनकी नीयत ये है कि मैं नई हिकमत अमली से काम लेकर दुश्मनों पर हमला करूं तो जायज़ है। अगर उनकी नीयत ये है कि मोहम्मद सल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नई हिदायत हासिल करूं तो जायज़ है। अगर उनकी नीयत ये है कि मेरे पास असलहा की कमी है, मैं अपने साथियों से नया असलहा हासिल करूं, तो जायज़ है। या उनकी नीयत ये है कि ज़ोरदार तरीके से नई हिकमत अमली इख्तियार करके इन पर हमला करूँगा, तो जायज़ है। इसके अलावा जो भी नीयत है कि गिर जाऊँगा, मर जाऊँगा, ज़ख्मी हो जाऊँगा, तो ये नीयत है तो ये फिर जायज़ नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनका ठिकाना दोज़ख होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कुफार को ख़िताब करते हुए इन आयात करीमा में क्या तनबी की गई। तनबी का मतलब है ख़बरदार करना। अल्लाह ताला ने फरमाया, तस्तफ्तहु फ़कद जाअकुमुल फ़तहु, अगर तुम मोहम्मद और उनके साथियों पर फतह हासिल करना चाहते हो तो फतह तुम्हारे पास आ चुकी है। किन के नसीब में फतह हुई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह नसीब हो गई। अब भी तुम्हारे पास टाइम है, अपने अफाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। अगर फिर नफरमानी करोगे तो हम फिर तुम्हें अजाब से दोचार करेंगे, और तुम्हारी जमात ख्वाह कितनी ही कसीर क्यों ना हो, तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आएगी, और अल्लाह तो मोमिनों के साथ है। इस तरह अल्लाह ताला ने उनको ख़बरदार कर दिया। कहते हैं कि जब अबू जहल और मुशरिकीन मक्का आप सल्लम के मुकाबले के लिए रवाना हुए तो अबू जहल ने खाना काबा का पर्दा पकड़ कर दुआ की, ए अल्लाह, हमारे और मोहम्मद के लश्कर में जो दीन के इतबार से हक पर हो उनको फतह नसीब फरमा, और जो हक पर ना हो उनको मिटा दो। चुनांच अल्लाह ताला ने उसकी दुआ के मुताबिक मुसलमानों को फतह दे दी। सख्त वईद सुनाई, ख़बरदार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा, हक के रास्ते में रोड़े अटकाएगा, तो अल्लाह ताला उन्हें सख्त अजाब का मज़ा चखाएगा, उन्हें दोज़ख की अजाब में डाल देगा, नाकामी का शिकार। आयत में वाज़ह तौर पर बताया गया है कि अल्लाह काफिरों की तमाम तदबीरों को बेअसर और कमज़ोर कर देगा, काफिर हर तरफ से नाकामी का शिकार होंगे। अल्लाह ताला का फ़ैसला, अल्लाह ताला ने काफिरों को तनबी दी
कि मोहम्मद सल्लम और उनके पैरोकारों पर फतह हासिल करने का ख्याल दिल से निकाल दो। अल्लाह ने फैसला कर दिया कि तुम कभी भी हक पर गालिब नहीं आ सकते। जंग बदर में तुम्हें इबरतनाक शिकस्त मिल गई है, यह फैसला कबूल कर लो, बाज आ जाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया बाज आ जाओ। काफिरों से कहा गया कि तुम्हें इबरतनाक शिकस्त हो चुकी है, अब भी तुम्हारे पास वक्त है, लिहाजा बाज आ जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम दोबारा सरकशी करोगे तो हम भी पहले की तरह तुम्हारी सरकूबी करेंगे। पहले कब सरकूबी की थी? मैदान बदर में इनके सर उड़ा दिए थे, पोर पोर काट दिए थे। तो अल्लाह ताला वो बात याद दिला रहा है कि अब भी तुम्हारे पास टाइम है, बाज आ जाओ, वरना हम पहले की तरह तुम्हारी सरकूबी करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कसीर तादाद पर फ़ख्र मत करो। चूँकि 1000 लश्कर पर वो फ़ख्र करते थे, तलवार उठा उठा तलवार लहरा लहरा कर बदर के मैदान की तरफ बढ़ रहे थे, नाच गाना कर रहे थे, जगह जगह पर पड़ाव डाल रहे थे, खाना खिलाते थे, जो लोग इनके साथी नहीं भी थे तो उनको रोक रहे थे कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, हमारे साथी बन जाओ। तो इस तरह वो करते करते बदर के मैदान में बहुत ज़्यादा फ़ख्र गुरूर और कसीर तादाद पर फ़ख्र करते हुए पहुँचे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारी तादाद चाहे कितनी ही कसीर क्यों ना हो, वो तुम्हारे किसी भी काम नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह ताला मोमिनों का साथी है, वो मोमिनों को फतह दिलाएगा और तुम्हारी तदबीरों को खाक में मिलाएगा। रहमान बाबा का शेर है, चे खुदे दे मल नवी रहमाना, खुदे दे मल नवी रहमाना, कलख करे दर सरावी यक तन्हाए। तो ये हाल अबू जहल का हुआ था, उसके पास तो बहुत बड़ी लश्कर थी लेकिन वो लश्कर उसके किसी काम भी नहीं आई। अब हम इबारत की तरफ बढ़ते हैं। इबारत नंबर अलिफ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना, जब तुम्हारा आमना सामना हो कफरू काफिरों की जमात के साथ, ज़हफ़न लश्करकशी की सूरत में, फ़ला तवल्लूहुमुल अदबारा, तो उनसे अपनी पीठ मत फेरो। अभी मैंने आप लोगों को इसका मफहूम व तशरीह बता दिया है। ये सवाल नंबर इसी एक्सरसाइज में सवाल नंबर 2 का जवाब जो है वो इसका जवाब भी है। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को दोहराती हूँ कि सवाल नंबर 2 जो अभी आपके सामने मैंने दोहराया था कि ये हक व बातिल का पहला मुआरका था, और फिर जो है अल्लाह ताला ने उनको तरगीब दी कि जंगी चाल इख्तियार करो, हिकमत अमली इख्तियार करो, और अगर तुम्हारी नियत है कि मैं ज़ोरदार तरीके से हमला कर दूं, नई हिकमत अमली इख्तियार करूं, असलहा ले लूं, तो फिर ठीक है। इसके अलावा अगर तुम्हारी नियत है कि मैं मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगी, तो तुम्हारा ठिकाना दोजख है। उसका जवाब और इसका जवाब बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट इबारत है हमारे पास, वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन अल्लाह रमा, वमा रमैता और नहीं फेंकी इज़ रमैता जब फेंकी, वलकिन अल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह ताला ने फेंकी। और जब ए पैगंबर आप सल्लम ने दुश्मन के लश्कर पर कंकर और रेत मट्टी फेंकी, तो ये आप सल्लम ने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ताला ने फेंकी। इसका पस मंज़र यह है कि जंग बदर में जब दोनों फौजें आमने सामने हो गई तो आप सल्लम ने हाथ उठाकर ये दुआ मांगी कि ए अल्लाह ये मुट्ठी भर सहाबा अगर आज ख़त्म हो गए तो रोए ज़मीन पर तुम्हारा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा, लिहाजा तू हमारी मदद फरमा। इस आयत में उस मौजे की तरफ भी इशारा है जो जंग बदर के दौरान पेश आया था। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है, फरमाते हैं कि जंग बदर के मौके पर जब आप सल्लम ने दुआ मांगी तो जिब्राइल अमीन आए और कहा आप सल्लम मुट्ठी भर मट्टी और कंकरियां उठाकर इन काफिरों की तरफ फेंक दो। आप सल्लम ने मट्टी और कंकरियां उठाई और शाहतुल वजूह
शाहत अलवजूह का मतलब है कि चेहरे बिगड़ जाए। ये अल्फाज कहकर उनकी तरफ फेंकी जो काफिरों की आंखों में जा लगी, जिसकी वजह से काफिरों के लश्कर में भगदड़ मच गई और मुसलमानों ने इन पर भरपूर हमला किया। फरिश्ते भी साथ में थे, इनको बदतरीन किस्म की शिकस्त से दोचार किया। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला ने इस आयत में अपनी कुव्वत और बड़ाई का इजहार किया कि जो मुट्ठी भर मट्टी आप सल्लम ने फेंकी थी उसमें असल में अल्लाह ताला ने डाल दिया था। कहते हैं कि जब वो मट्टी काफिरों की आंखों पर लगी तो वो आंखें मलने लगे, बदहवास और दहशत ज़दा हो गए। इस मट्टी में मिर्चों से भी तेज़ असर था, वो देखने से महरूम हो गए। इनके औसान खता हो गए, कुछ भागने पर मजबूर हुए, कुछ बेहोश हो गए और कुछ गिरकर मर गए। तासीर, इस मट्टी में तासीर अल्लाह ताला ने डाली थी। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मट्टी आप सल्लम ने फेंकी थी लेकिन इसमें तासीर हमने पैदा की थी। अगर हम तासीर पैदा ना करते तो सिर्फ मट्टी मुट्ठी भर मट्टी क्या कर सकती थी। लिहाजा असल में ये काम हमारी तरफ से हुआ है। अल्लाह ताला ने इस आयत में अपनी बड़ाई का इजहार किया है। आखिरी आयत की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे पास आखिरी इबारत है, वलन तुगनी अनकुम फ़ातुकुम शैअन वलौ कसुरत, और तुम्हें हरगिज फ़ायदा नहीं देगी तुम्हारी जमात चाहे वो तादाद में ज़्यादा ही क्यों ना हो। वलन तुगनी और हरगिज फ़ायदा नहीं देगी अनकुम तुम्हें फ़ातुकुम तुम्हारी जमात शैअन कुछ भी वलौ कसुरत अगरचे ज़्यादा क्यों ना हो, और तुम्हारी जमात तुम्हें कुछ भी फ़ायदा न पहुंचा सकेगी चाहे वो तादाद में ज़्यादा ही क्यों ना हो। इसका मफहूम है जंगों में फतह हासिल करने के लिए कसीर तादाद की ज़रूरत होती है। जंगों में फतह हासिल करने के लिए कसीर तादाद और फ़ौज का भी अमल दखल होता है। यही वहम कुफ्फार मक्का को भी था कि हम मुसलमानों से कई गुना ज़्यादा है, मुसलमान तो चंद अफराद है, लिहाजा हम मुसलमानों को आसानी से शिकस्त देंगे। तो अल्लाह ताला ने इनकी गलत फहमी दूर करते हुए फरमाया कि बड़ा लश्कर काफिरों को शिकस्त से नहीं बचा सकता चाहे वो तादाद में कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। वजह ये बयान की कि काफिर जिन लोगों से लड़ रहे हैं वो ईमान की कुव्वत से मालामाल है, और उसके साथ साथ मुसलमानों को अल्लाह ताला की मदद भी हासिल है। अबू जहल के फ़ख्र व गुरूर को बयान करते हुए फरमाया, तशरीहात में आता है कि अबू जहल मक्का से निकला तो अपनी बड़ी तादाद पर फ़ख्र व गुरूर करते हुए आगे बढ़ रहा था, तलवारें लहरा रहा था और ये कह रहा था कि आज के दिन मोहम्मद और उनको ये साथियों को हमसे कौन बचाएगा, हम 1000 है और मुसलमान सिर्फ 313। जब बदर के मैदान में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उस पर वाज़ह कर दिया कि कसीर तादाद फ़ख्र व गुरूर किसी काम का नहीं, बल्कि मुसलमान जो है वो तवक्कुल अल्लाह यानी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। इसी तरह अल्लाह ने उनके गुरूर को हाक में मिला दिया और मुसलमानों को शानदार फतह नसीब हुई। ये हमारा आखिरी इबारत थी, ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद अद्दरसुल अव्वल जीम शुरू करेंगे। फिर भी मैं कहती हूँ बच्चों, अगर आपको कुछ भी बात समझ ना आई हो तो वो सवालात अपने साथ नोट करें, इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद क्लास में आकर डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।